हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग एमएल छब्रम का लिटरेरी टर्म डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम एलेगरी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एन एलेगरी इज़ अ नरेटिव स्टोरी, आइदर इट इज़ रिटन इन प्रोज और पोएट्री, इन विच पोएट और राइटर यूज टू टेल सम पैरेलल स्टोरी। इट मीन हमारा जो राइटर होता है या पोएट होता है, वो एक स्टोरी जो हमारा जिस वर्क को हम पढ़ रहे होंगे उस पर जो लिखा होता है वो सरफेस स्टोरी रहती है, लेकिन उसका एक हिडन मीनिंग भी होता है जो हम पढ़ते हैं। जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी को कुछ कह रहा होता है लेकिन उसको डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली उसको सुना के कहता है। सेम टाइप से ये एलेगरी भी हमारी होती है, जिसमें कहा किसी और को जा रहा होता है लेकिन उसको डायरेक्ट उसका रेफरेंस ना हो करके इनडायरेक्ट पे में कहा जाए, तो वो एलेगरी होता है। एलेगरी को हम, इसमें कई तरह की एलेगरी होती हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी और एलेगरीज ऑफ आइडियाज़ हैं, और एलेगरी एक ऐसे नॉर्मल होती है और दूसरी होती है ड्रीम एलेगरी। जो ड्रीम एलेगरी होती है वो राइटर और पोएट जो ड्रीम में देखते हैं उसको लिखते हैं, तो ड्रीम एलेगरी होती है। चौसर ने कई लिखे हैं और उस टाइम के बहुत सारे राइटर ने ड्रीम एलेगरी लिखा हुआ है। एलेगरी को जो मेनली टू टाइप से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी और द एलेगरी ऑफ आइडियाज़। इस हिस्टोरिकल एलेगरी में, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एलेगरी में जो बहुत ही फेमस एलेगरी है, जॉन ड्राइडन की एब्सोलम एंड एक्विटिफल है। एब्सोलम एंड एक्विटिफल जो है वो 17 सेंचुरी की एक प्ले है, जो जॉन ड्राइडन ने, जिसमें उन्होंने चार्ल्स सेकेंड जो उस वक्त की किंग थे उनकी कहानी लिखी है कि कैसे उनका बेटा जो एब्सोलम है वो रिबेल कर रहा है। और ये स्टोरी, ये रेफरेंस उन्होंने कहाँ से लिया है, मतलब कहानी जो लिख रहे हैं बिब्लिकल स्टोरी है, जिसमें एब्सोलम जो रहता है वो अपने फादर किंग डेविड के अगेंस्ट जाके उनको तब रिवेल करता है गद्दी के लिए। और बाइबल में भी जो किंग डेविड का पुत्र है एब्सोलम, वो उनका लीगल सन नहीं है बल्कि बायोलॉजिकल या नेचुरल सन कहा जा सकता है, जो इलीगल होता है। तो वो वहाँ पे जैसे रिवेल करता था, और 17 सेंचुरी के जो किंग चार्ल्स सेकेंड है उनका लड़का है जो ड्यूक ऑफ मॉनमथ है, वो रिबेल कर देता है एक्विटिफल के कहने पे। वो जो एक्विटिफल यहाँ पे, ये एक्विटिफल जो था फर्स्ट अर्ल ऑफ सैफ्सबरी था, जो कि ड्यूक ऑफ मॉनमथ को उकसाता है अपने फादर के अगेंस्ट जाने में। और ये एब्सोलम में एक्विटिफल जो है ड्रामा नहीं है बल्कि पोएम है, और ऐसे ये लिखा हुआ है कि लगता है प्ले टाइप का। ये इसमें जॉन ड्राइडन ने सेटराइज किया है कैथोलिक मोनार्की और पॉलिटिकल रिलीजियस इशू जो उस वक्त चल रहे थे, जिसमें चार्ल्स सेकेंड जो है वो किंग डेविड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एब्सोलम रिप्रेजेंट कर रहा है उनके नेचुरल सन ड्यूक ऑफ मॉनमथ को, और जो कि बिब्लिकल स्टोरी एब्सोलम है, और एक्विटिफल जो है फर्स्ट ऑल ऑफ सैफ्सबरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा द एलेगरी ऑफ आइडियाज़। द एलेगरी ऑफ आइडियाज़ में क्या किया जाता है, इसमें इन विच द रिचुअल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स कॉन्सेप्ट एंड द प्लॉट एलेगराइज एंड एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट। क्या होता है एलेगरीज में, जो आइडियाज़ ऑफ एलेगरी होती है उसमें कॉन्सेप्ट को,
मतलब कुछ दिखने वाली चीज़ नहीं होती है, जैसे मोरालिटी हो गई और कुछ रिलीजियस चीज़ें होती हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को अलगराइज किया गया है। जैसे कि जॉन बनियन ने अपने द पिलग्रिम प्रोग्रेस में अलगराइज किया है क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन को, कैसे क्रिश्चियन एक क्रिश्चियन कैरेक्टर को ले करके जॉन बनियन ने अपने द पिलग्रिम प्रोग्रेस में लिखा है। क्रिश्चियन कैरेक्टर जो है वो, उसको ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा पाप कर चुका है, उसको सॉल्वेशन चाहिए, वो बहुत बोझ से दबा हुआ है, तो वो इधर उधर पहले भटकता है, फिर किसी सजेशन लेता है, तो एवेंजलिस्ट जो होता है वो उसको सजेशन देता है, वॉर्न करता है कि ऐसी मतलब छुटकारा पाओगे तभी तुम्हें सॉल्वेशन मिलेगा। तो वहाँ से वो भाग जाता है, क्रिश्चियन भाग के सॉल्वेशन सिटी में जाता है, मतलब क्योंकि जिस सिटी में रह रहा हो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जिसमें हम रह रहे हैं सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ नहीं है सिवाय गलत कामों के, या फिर हम अच्छा काम जल्दी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो हम सॉल्वेशन की तरफ नहीं जाते हैं। इसलिए वो अपने डिस्ट्रक्शन सिटी को छोड़ करके गॉड के तरफ जाना चाहता है, जिसमें बहुत सारे उसको कैरेक्टर मिलते हैं जैसे फेथफुल, होपफुल, ये सब उसकी हेल्प करते हैं पहुँचने में वहाँ तक। और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो बताते हैं कि नहीं जा सकते हो, बहुत सारा चीज़ें ऐसे जो जॉन बनियन का द पिलग्रिम प्रोग्रेस पढ़ने पे ये पता चलेगा, डेथ, वैनिटी फेयर, ये सब शैडोज रहते हैं, और ये फेथफुल, होपफुल और ये सारे जो होते हैं उसके हेल्प करते हैं वहाँ तक जाने में। नेक्स्ट टर्म है हमारा फेबल, सो लेट्स नो अबाउट इट, व्हाट इज़ फेबल। फेबल इज़ ए नरेटिव स्टोरी, ये भी एक नरेटिव स्टोरी है, प्रोज और वर्ड्स दोनों में हो सकती है, जिसमें अ मोरल स्टोरी इज़ नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एपिग्राम, जिसमें एक मोरल स्टोरी को नरेट किया जाता है एपिग्राम के फॉर्म में, मतलब कि छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, छोटे छोटे शब्दों में हम जब बड़ी बातें कहते हैं जैसे फ्रेज वगैरह की तरह, तो ये एपिग्राम होता है। एपिग्राम के फॉर्म में हम मतलब एक पैराग्राफ की कोई स्टोरी है या पोएम है जिसके थ्रू हम कोई कहानी, कोई बात कह रहे हैं, तो वो फेबल होता है। इसके कई तरह के मतलब फेबल के टाइप्स हैं, जैसे वीस्ट फेबल। तो वीस्ट फेबल क्या होता है, ये भी एक नरेटिव शॉर्ट स्टोरी होती है, आइदर प्रोज में होती है और वर्ड्स में होती है, जिसमें एनिमल वो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, और इट एम्प्लॉयज एनिमल प्लांट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और फोर्सेस ऑफ नेचर। इसमें केवल एनिमल ही नहीं, प्लांट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और फोर्सेस भी रहते हैं, जिनके थ्रू एक मोरल स्टोरी बताया जाता है। जैसे फॉक्स एंड द क्रैब्स की स्टोरी हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, कैसे लोमड़ी सारे अपने एफर्ट कर लेती है और जब उसको लास्ट में अंगूर नहीं मिलता तो वो बोलती है अंगूर खट्टे थे। उसी तरह चेसर का नन प्रीस्ट टेल है, कॉक एंड द फॉक्स स्टोरी, जिसमें कॉक को एक फॉक्स खा लेती है चैंटिक्लेयर, तो कॉक चैंटिक्लेयर उसके उसमें आ जाता है, बहकावे में आ जाता है, उसको खा लेती है, तो वो भी अपना एक ऐसे ही लगाता है कि उसे पूछता है कि तुमने मुझे कैसे इम्प्रेस कर लिया, कैसे मुझे खा लिया। वो जैसे मुंह खोलती है बताने के लिए कि कैसे वो उसको गाने के लिए एग्री करवा लेती है, वैसे उसके मुंह से बाहर निकल कर पेड़ पे जाके बैठ जाता है। तो ये भी है एक मोरल स्टोरी है कि किसी के चैंट में नहीं आना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी की फालतू प्रशंसा में नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे जो कॉक रहता है वो ऐसे ही करता है, इसी वजह से उसको वो करती। नेक्स्ट बीस्ट फेबल है हमारा एनिमल फॉर्म, जो बहुत ही फेमस है, 1945 में लिखा हुआ है, जॉर्ज ऑरवेल का है, जिसमें रसिया के जो जॉर्ज हैं जार हैं सॉरी जॉर्ज रसिया के जार्ज थे स्टालिन, उनके टाइम में जो मिड 20th सेंचुरी में वहाँ पे कैसे सिचुएशन थी, कैसे वो डोमिनेट कर रहे थे, कैसे पूरा पहले उन्होंने एक अच्छी सी, जैसे कभी भी कोई आंदोलन होता है उस आंदोलन में
पहले मेन लीड रोल जो कर रहा हो वही उस वहाँ का ताना मतलब राजा बन जाए और उसके बाद वही तानाशाही उसको दिखाने लगे। तो सेम चीज़ वो स्टालिन भी करता है। तो उसको जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फॉर्म में दिखाया हुआ है, एनिमल के कैरेक्टर्स के रूप में। नेक्स्ट है हमारा पैराबल। पैराबल क्या होता है? ये भी एक शॉर्ट नरेटिव स्टोरी होती है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, इलस्ट्रेट किया जाता है एक मोरल और स्पिरिचुअल लेसन एज टोल्ड जीजस इन गॉस्पेल। ये जीजस क्राइस्ट के द्वारा यूज़ किया जाती थी उनके गॉस्पेल में, जब जीजस क्राइस्ट लोगों को गॉस्पेल उपदेश दिया करते थे तो वो उसमें करते थे। इस प्रोडिगल सन है ये उनकी बहुत ही फेमस गॉस्पेल था। पैराबल में हम एक नॉर्मल सी स्टोरी की बात कर सकते हैं, जैसे घर में दो भाई हैं या फिर आसपास पड़ोस के लोग रहते हैं, एक बच्चा बहुत तेज़ होता है तो दूसरे बच्चे को मम्मी पापा लोग बोलते देखो वो कितना अच्छा है, ताकि वो इंस्पायर हो कि वो भी पढ़े या फिर जो भी काम करने के लिए चाहते हैं वो करे। कभी कभी किसी की जॉब लग जाती है तो अपने बच्चों को सब डांटते हैं देखो उसने ये कर लिया वो कर लिया, तो वो एक तरह का पैराबल होता है। और ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था उस टाइम में वो मोरल स्टोरीज़ के लिए किया जाता था। नेक्स्ट टाइम है हमारा एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम क्या है? एग्जाम्पलम इज़ अ मोरल एनेक्डोट है जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल थीम होता है, मतलब रिलीजियस सरमन होता है ये एग्जाम्पलम जो होता है कोई भी। उसके बाद जैसे कि चासर का द पार्टनर्स टेल में वो बताते हैं, एक पार्टनर जो रहता है ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल। पार्टनर बताते हैं कि जो ग्रीड है वो सारी एविल का जड़ है। और उसमें एक स्टोरी रहती है कि एक डेथ हो जाता है किसी पर्सन का, तो तीन आदमी जा रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि ये कैसे मरा। तो एक बुढ़ा सा आदमी रहता है वो बताता है कि इसकी मृत्यु करने वाला जो है वो एक पेड़ के नीचे है, वहाँ पे जाओ तो मिल जाएगा। तो वो तीनों वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि चार सोने की ईंट पड़ी होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि अब इसको बराबर से बांटा कैसे जाए। इस चक्कर में वो प्लान बनाते हैं, जो सबसे छोटा रहता है उसको शराब लेने के लिए मतलब भेज देते हैं दुकान पे, वो मतलब एरिया ऐसा रहता है जहाँ मार्केट होती है, वहाँ जाता है शराब लेके। उसको लौटते लौटते ये ख्याल आता है कि अगर हम इसमें जहर मिला देंगे तो सब मर जाएंगे और सोना केवल मैं ले लूँगा। और यहाँ पे ये दोनों जो उससे ज़्यादा एजेड रहते हैं वो लोग प्लान बनाते हैं कि अगर उसको मार दिया जाएगा तो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। उस सोने के चक्कर में उसने शराब में जहर मिला दी, वो शराब लेकर के आया और यहाँ ये लोग खाना लेके आए थे, खाने में ये लोग जहर मिला दिए। वो लड़का जहर वाला खाना खा के मर गया और ये लोग शराब पी के शराब जो जहर वाली थी उसको पी के मर गए, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था अगर ये नहीं रहेगा तो हम दो दो मिल जाएगा और ऐसे में हम लोगों को बांटना पड़ेगा, बांटने में दिक्कत हुई, जो भी था सोने का लालच था और मर गए। तो ये क्या हुआ, इसका एक मोरल स्टोरी निकल के आई, ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल। नेक्स्ट है हमारा प्रोवर्ब। प्रोवर्ब भी एक शॉर्ट पिथी स्टोरी होती है, जो शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट होता है दैट इज ऑफन मेटाफोरिकली एंड यूज फॉर्मुलेइक लैंग्वेज, जिसमें फॉर्मुलेइक लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, मेटाफोरिकली यूज होता है। प्रोवर्ब कहावतें होती हैं जो हमारे डेली यूज़ में आम लोगों के द्वारा यूज़ की जाती हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे वर्ड में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।